हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कुकिंग विद आशा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के हूँ आलू और शिमला मिर्च की ड्राई सब्जी की रेसिपी। इसको आप पराठे के साथ, सादी रोटी के साथ और या फिर दाल चावल बनाएंगे तो आप उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमने कच्चे आलू को धोकर के काट रखा है और साथ ही हमने शिमला मिर्च भी काट रखे है। प्याज और अदरक लहसुन को हमने ले रखा है, जिसको हमने बारीक काट रखे। गैस पे हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, हमने इसमें ऐड कर देना है जीरा और साथ ही सूखी लाल मिर्च। 1 सेकंड पकाने के बाद हमने ऐड कर दिया है गार्लिक और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है प्याज। यहाँ पे हमने प्याज जो है वो कुछ देर बाद ऐड कर दिया, क्योंकि तेल जो था वो काफ़ी गर्म था। तो अब हमने प्याज को कुछ देर के लिए पकाना है और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कच्चे आलू, और कच्चे आलू को भी हमने तेल के साथ बहुत ही अच्छे से पका लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्याज का जो कलर है वो हल्का सा चेंज हो गया है। हमने प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि जब आप कच्चे आलू को ऐड करेंगे तड़के में और जब आप उसको पकाएंगे, तो अगर आप प्याज पहले ही बहुत ज़्यादा पका देंगे तो तड़का जो है वो जल सकता है। तो इसलिए जब हल्का सा प्याज पक जाए उसके बाद ही आप कच्चे आलू को ऐड करके तेल के साथ अच्छे से पकाएं। तो इससे क्या होता है, जो आलू होते हैं वो तेल के साथ भुन भी जाते हैं और आधे पक भी जाते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे से प्याज के साथ आलू को पका लिया है। अब हमने ऐड कर देना है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को हमने तड़के के साथ पकाना है कुछ देर के लिए। अमेजोन ऑफर कर रहा है बहुत ही कम प्राइस में एलोवेरा जेल एंड फेस वॉश। आप बहुत ही कम प्राइस में एलोवेरा जेल और फेस वॉश को परचेज कर सकते हैं। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे आप क्लिक करें एंड आप डायरेक्ट इसको परचेज कर सकते हैं बहुत ही कम प्राइस में। ऑफर जो है वो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। गैस की फ्लेम को हमने लो कर रखा है और लो फ्लेम पे हमने तड़के के साथ ही सब्जी को तेल के अंदर बहुत ही अच्छे से भून लिया है। अब हमने ऐड कर देने हैं इसमें मसाले। तो यहाँ पे हमने गरम मसाला, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर को ऐड कर देना है। आप इसमें लाल मिर्च का पाउडर जो है वो अधिक मात्रा में ऐड कर सकते हैं, जितना आप मसाला खाते हैं उसके हिसाब से आप मसाला ऐड कर लें। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ही लाल मिर्च ऐड कर रखा है, क्योंकि जो सूखी लाल मिर्च है वो काफ़ी ज़्यादा तीखी है। मसालों के साथ हम सब्जी को लो फ्लेम पे पकाएंगे। कुछ देर हमने ढक कर के भी इसको पकाना है लो फ्लेम पे। मसालों के साथ हमने सब्जी को तेल में बहुत ही अच्छे से पका लिया है। अब हमने इसमें ऐड कर देना है टमाटर। टमाटर को ऐड करने के बाद हमने सब्जी को मिक्स कर लेना है और कुछ देर हम ढक करके इसको पकाएंगे। उससे क्या होगा, टमाटर जो है वो गल जाएगा। टमाटर जो है वो गल गया है। अब हमने इसमें ऐड कर देना है पानी। जितनी मात्रा में आप ग्रेवी रखना चाहते हो उतना ज़्यादा आप पानी ऐड कर सकते हैं। हम जो है ड्राई सब्जी बना रहे हैं, तो इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा ही पानी ऐड कर रखा है। साथ ही हमने नमक भी ऐड कर लिया है। अब हमने इसको मिक्स करके कुछ देर के लिए पकाएंगे। यहाँ पर हमने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रखा है, ताकि सब्जी को बहुत ही अच्छा सा कलर मिले। और हमने तब तक सब्जी को पकाना है जब तक पानी जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म ना हो जाए। So
सब्जी में हमने जो पानी ऐड किया था वो काफी हद तक जल चुका है। अब हमने गैस को बंद कर देना है क्योंकि सब्जी जब ठंडी होगी तो और भी ज्यादा ये ड्राई हो जाएगी सब्जी। तो सब्जी जो है वो बन करके तैयार हो चुकी है। तो इस तरीके से आप आलू शिमला मिर्च की सब्जी जो है ड्राई सब्जी घर पे बना सकते हैं। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन में आपको जानकारी मिलती रहे।